हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू विदिका व्लॉग्स। और ये जो शाम देख रहे हैं ये है फरीदाबाद की शाम। नीचे लगा हुआ है टेंट क्योंकि हम आए हैं फरीदाबाद मेरे मौसा जी के रिटायरमेंट के मौके पर। और घर पे हैं, सारे गेस्ट आए हुए हैं। मौसा जी अभी नहीं आए हैं, वो 8 o'clock तक आएंगे क्योंकि उनकी फ़्लाइट है शायद 5-5:30 बजे की, और उसके बाद फिर वो घर आएंगे। तो सारा व्लॉग मैं कवर करूंगी उनके आने का, और बिल्कुल एंड तक तो बने रहिए पूरे व्लॉग में मेरे साथ। तो जैसे कि मैंने कहा कि सारे गेस्ट घर पे आ चुके हैं, वेट चल रहा है, बातें चल रही हैं और थोड़ा चाय पानी चल रहा है। ये है मेरा स्मार्ट सा कज़न और ये है हेमा, इनको तो आप जानते हैं। मामी, इनको मैंने बहुत वीडियो में दिखाया है, मिस्टी परी। और ये मैं, मेरी कज़न, मौसी, मम्मी, मतलब सब रिलेटिव जो है ना, मेरी नानी, सब यहाँ पे बैठे हुए हैं और सब बातें कर रहे हैं एक दूसरे से, क्योंकि जब एक दूसरे से मिलना होता है ना तो बातें 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 होती ही रहती हैं। और ये है जो आप छोटे से बच्चे को देख रहे हैं, ये है बहुत क्यूट मेरे कज़न का बेटा ओम, जो कि बहुत स्वीट है और पता नहीं क्या बोल रहा है, ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो बस अब मैं सबकी वीडियो जो है वो बना रही हूँ और यहाँ पे बस फ़ोटोशूट चल रहा है। फ़ोटो तो मतलब ये समझ लीजिए कि फ़ोटो लेना तो बहुत ज़रूरी है जब हम कहीं गए हैं सॉरी। तो जैसे कि मैं कह रही थी कि फ़ोटो लेना बहुत ज़रूरी है, तो वही हम यहाँ पे फ़ोटोशूट कर रहे हैं। तो देखिए आप लोग भी। सो गाइज, अब हम आ गए हैं नीचे और बस मौसा जी के आने का टाइम हो गया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मौसा जी बस थोड़ी ही देर में अब आने ही वाले हैं, तो ढोल दमो बजने हो गए हैं स्टार्ट, और हमने सोचा कि थोड़ा बहुत नाच गाना हम भी कर लेते हैं। तो बस हम लोग भी शुरू हो गए डांस में। अब हम जा रहे हैं बाहर मौसा जी को रिसीव करने के लिए, और बस थोड़ी ही देर में मौसा जी आने वाले हैं, उसके बाद का जो फंक्शन है वो आगे कंटिन्यू होगा। तो पूरे व्लॉग में आप बने रहिए और देखिए ये पूरा व्लॉग। सो
गाइज हम पहुंच गए हैं बाहर और यहाँ पे ना लाइट का थोड़ा इशू है और ये मेरे हस्बैंड ने तो ठीक से दिखाई नहीं दे रहे हैं अंधेरे की वजह से, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत अंधेरा है, लाइटिंग कम है क्योंकि स्ट्रीट लाइट जो है वो थोड़ा कम जल रही है या जल भी रही है तो थोड़ी बहुत रोशनी आ रही है। और ये धूल धमों हैं जो बजने स्टार्ट हो गए हैं और नाचना भी स्टार्ट हो गया है भाई। तो देखिए आप लोग, मौसा जी बस आने ही वाले हैं थोड़ी देर में और बस नाच तो ये अब चलता ही रहेगा, मतलब कंटिन्यू रहेगा क्योंकि पहाड़ी लोग ना ये नाचने में तो मतलब कोई कमी नहीं करते हैं, तो इसलिए नाचना तो बनता ही है। सो गाइज यहाँ पे मौसा जी आ गए हैं, वो सबसे मिल रहे हैं और सब उनसे मिल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और सीरियसली ये वाला मोमेंट ना बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था क्योंकि अब अच्छा भी लग रहा था कि मौसा जी अब अपनी फैमिली के साथ रहेंगे, क्योंकि एक सोल्जर की लाइफ ना ऐसी होती है कि उसको बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने पर देश के लिए अपनी फैमिली के पास नहीं रहना पड़ता है, कुछ ऐसे मोमेंट होते हैं जब वो अपने बच्चों के साथ नहीं होते हैं, तो अब अच्छा लग रहा था कि अब वो अपनी फैमिली के साथ रहेंगे। और सारे सोल्जर्स के लिए तो मैं हैट्स ऑफ करती हूँ कि वो मतलब अपना आधे से ज़्यादा जीवन जो है वो देश के नाम कर देते हैं और अपनी फैमिली से दूर रहते हैं। सो चलिए इसको बढ़ाते हैं आगे और मौसा जी का करते हैं स्वागत।
सो गाइज़ यहाँ पे अब जो गेस्ट आए हैं वो एक एक करके स्टेज में आएंगे और मौसा जी को गिफ्ट देंगे, तो देखिए आप लोग भी। सो गाइज़ यहाँ पे खाना खाने के बाद अब हम यहाँ पे हलवा इन्जॉय कर रहे हैं, और मैंने फ़ोन दिया अपने कज़न को और मैंने उससे कहा कि भाई मेरी भी वीडियो लो, क्योंकि सबकी वीडियो तो मैं बना देती हूँ पर व्लॉग में मेरी ही वीडियो कम आ जाती है, तो इसलिए फिर मैंने उसको फ़ोन दिया, उसने सबकी वीडियो बनाई और मेरी भी बनाई। तो गाइज़ ये था मेरा व्लॉग, तो बस इस व्लॉग को मैं यहीं पे ही अब मैं रोकती हूँ, यहीं पे ख़त्म करती हूँ। जल्द ही आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चलिए मिलते हैं अब जल्द ही अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।